उत्तराखंड परवासी भै बंधो जी रहा जागिरया लग बड़ुली। हेलो, वेलकम टू वसुबी ब्लॉग्स। स्वागत है आपका वसुबी ब्लॉग्स में। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार सुबह का, और आप सभी को सुप्रभात। तो आप लोग सभी उठ गए होंगे, मेरे बच्चों की आज छुट्टी, आज तो सभी की छुट्टी होगी। तो ये भी मुस्टंडे देखो, आलसी राम सो के अभी, मतलब इनका उठने का मन कर ही नहीं रहा है चाय से अंदर। और आप सभी को छोटी दीपावली, मतलब हमारी इगास, छोटी दीपावली इगास की ढेर सारी बधाइयाँ। तो आप लोगों ने तो पूरी पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया होगा, खा लिया होगा। तो आज हमारा क्या सीन है, आज हम भी सिर्फ चाय में ही, लोगों ने हमको पूरी पकौड़ियाँ दी हैं, तो हमारा पर्व तो नहीं है, हम मतलब हम नहीं बना सकते हैं अभी। तो लोगों ने दी है हमको पूरी पकौड़ियाँ, तो आज हम नाश्ते में खाएँगे, चाय बनाओगे, चाय के साथ बच्चे का खाना भात और दाल। तो अब पता गांव में क्या होता है, गांव में जब दिन की स्कूल हो जाती है ना, तो 9 बजे का टाइम होता है जो स्कूल का, तो 9 बजे का स्कूल, और शाम को 4 बजे हम घर पहुंचते थे पैदल पैदल। बड़ा मज़ा आता था उस टाइम में, बहुत थकान सी भी लगती थी, मन करता था कोई गाड़ी वाला रुक जाए और हमको ले जाए। तो पहुँच के सुबह भात खा के निकलते थे, खाना खा के दाल चावल, और शाम को रोटियाँ। तो आज वही वाला रूटीन फॉलो करने में, लेकिन आज पूरी पकौड़ियाँ आ रही थी तो वही खाएंगे, और उसके बाद आप लोगों को मिलेंगे डायरेक्ट शाम को। तो शाम और आप सभी को विकास की फिर से ढेर सारी बधाइयाँ। मैं सारे पकौड़े खा लिए, नीचे से लेके आ जाता। ये हमको लोगों ने जो पकौड़ दी थी वो चाय के साथ, हाँ डोंगे में, रोटी के डोंगे में लेके आना, ठीक। एक जाओ, एक बॉल फंसी बॉल, मंकू तू तुझे डर लग रहा है, उसको जाने दे कुकू को, मतलब क्यों खड़ा हो रहा था बता, टाइम पास। अब
अगर कैच करा तो तेरा, नहीं करा तो मेरा। 1 2 3 गो। मेरे पास में नहीं है, बोली दे तो दोनों को। मैं भी दे रहा हूँ। उसमें भैला किस किस ने घुमाया मुझे बताना है। तो भैला उसको कहते हैं जो जूट की रस्सी में ना चीड़ के पेड़ों का पेड़ों से निकलती है वो एक टाइप की लकड़ी, बिल्कुल लाल होती है, उसमें थोड़ी सी भी आग लगाओ तो एकदम झर्र करके जलती है। तो इतने इतने गट्ठे बनाते थे पापा लोग, बिल्कुल बराबर कटिंग के, इतना मतलब एक एक फुट की गट्ठियाँ, और उसको जला देना है। उसके बाद उससे बिल्कुल काला धुआं निकलता था, और उस पर बांधनी लंबी रस्सी पीछे की साइड, जब तक वो मतलब आगे से जलता था जब तक वो पीछे आता था तब तक हम छोड़ देते थे, और इतनी लंबी लंबी रस्सी है। उसके बाद हमने घुमाना है अपने चौकों में, अपने आंगनों में, और बस आग के साथ खेलना होता था, बड़ा मज़ा आता था। और उसकी जो खुशबू आती है ना उस भैले के जलने के बाद, बड़ी अच्छी लगती थी। तो आपने गैस बहुत अच्छे तरीके से मनाई होगी, खूब इंजॉय करा होगा। गांव में ज़्यादा मज़ा आता है गैस मनाने का, यहाँ उतना मज़ा नहीं आता है। तो बस दिनचर्या सिंपल सी थी आज की, कुछ खास नहीं था, लेकिन आपको पसंद आया होगा। आपके लिए बनाती रहूँगी अपनी खट्टी मिट्टी यादों के साथ, आपको मिलती रहूँगी। और फिलहाल मैं काट रही हूँ गोभी, तो गोभी की सब्ज़ी भी बनाऊँगी मैं, और थोड़ा मेरा पुलाव खाने का मन कर रहा है। तो पुलाव अपने लिए पुलाव बनाऊँगी, छोटा सा प्रेशर है उसमें पुलाव बनाऊँगी, और बच्चों के लिए आलू गोभी की सब्ज़ी। तो कल मेरे छोटे बेटे की ट्रिप है, वो जा रहा है फिर से लच्छी वाला नेचर पार्क, और बड़ा वाला जाएगा स्कूल। तो मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में इस इन्हीं खट्टी मीठी यादों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा प्यार भरा नमस्कार। इस स्वेटर मेरी हमेशा बेइज्जती करवा देती है, मैं इसके हमेशा बटन ऊपर नीचे लगाती हूँ। अभी मैंने वीडियो में देखा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन छोड़ो मैंने डाल दिया वीडियो, अब मैंने सही लगा लिया, लेकिन हमेशा बेइज्जती हो जाती है स्वेटर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड।